अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं एफत उमर और यूसुफ सलाउद्दीन एक दफ़ा फिर से विरसा की एक महफिल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। विरसा को शुरू हुए तकरीबन 12 साल तो हो चुके हैं और इस अरसे में हमने आपको बहुत बड़े बड़े नामी फ़नकारों से भी इस प्रोग्राम में मिलवाया, कई नए बच्चों से भी इंट्रोड्यूस कराया, उसी तरह हमने अपने पड़ोसी मुल्क के फ़नकारों को भी इस प्रोग्राम में शामिल किया। आज हमारे महफिल में जो फ़नकार आए हैं उम्र के लिहाज से बहुत छोटे हैं, लेकिन नाम उन्होंने ऑलरेडी अपना बहुत बना लिया और वो म्यूजिशियंस हैं और दो भाई हैं और भाई भी ट्विन्स हैं। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे जो उनके फैंस हैं, क्योंकि जब मैं उनकी रिसर्च उनके बारे में कर रही थी तो यंगर जनरेशन में तो वो ऑलरेडी बहुत मशहूर हैं और बाकी जो रह गए आज विरसा के थ्रू मशहूर हो जाएंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में लेट्स वेलकम लियो ट्विन्स एंड देयर टीम। तबले पे हैं आसिफ अली, सितार पे वकास हुसैन और बेस पे मेलविन। आप सबको खुश आमदीद। और सबसे पहले तो मुझे बताएं जो आपका फ़ोन बेचने से लेके नेस्कैफे बेसमेंट तक का जो सफ़र है। हारून उस टाइम तबला प्ले करता था, उस टाइम गिटार नहीं था इसके पास। सो एक दिन ये मुझे वायलिन एकेडमी में ड्रॉप करने आया मुझे, तो ये ऊपर आ गया तो उधर गिटार्स इसने देखी, काफ़ी ज़्यादा गिटार्स थी, तो कहते गिटार ना ले। मैंने कहा ले लेते हैं बट पैसे किधर से आएंगे। सो हमें नए नए फ़ोन अलाउ हुए थे घर से, सो नीचे गए मोबाइल मार्केट में, मोबाइल्स बेचे, ऊपर आए गिटार लिया। और वहाँ पर उस्ताद अदरीस अहमद खान साहब, हमारे जो उस्ताद जी हैं, वो बैठे सब कुछ देख रहे थे कि दो लड़के आए हैं, इन्होंने मोबाइल बेचे और ऊपर आके इन्होंने गिटार लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं वैसे तो बहुत फ़ी लेता हूँ और सिखाता भी बहुत कम लोगों को, लेकिन मैंने आप में वो स्पार्क देखा, आप में वो पैशन देखा है, सो मैं आपको फ्री सिखाऊँगा और आपके घर पर आके सिखाऊँगा। सो अच्छे टाइम पे वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड आई थिंक टू हैव सच ग्रेट टीचर्स, और राइट टाइम पे जिन्होंने हमें सिखाया और हमें टीच किया, गाइड किया। तो इस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई और फिर नेस्कैफे में सिलेक्शन हुई। जुल्फी भाई, वहाँ एक हम लोगों ने क्लिप अपलोड किया था फेसबुक पे, सो वहाँ से वो जुल्फी भाई ने देखा, उन्होंने फिर वहाँ से अप्रोच किया। भी ये जर्नी ख़त्म नहीं थी हुई कि वी गॉट लकी टू बिकम पार्ट ऑफ सादरात फतेह अली खान्स बैंड। सो अभी लाइक हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हम उनके बैंड में और वो हमारे दरमियान भी है, हम इस लाइक तो नहीं, सो काफ़ी डिफिकल्ट भी आपको सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच खान साहब फॉर कमिंग ओवर एंड आपको सुनाने के लिए कुछ है तो नहीं, लेकिन वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू एंटरटेन यू, और थैंक यू सो मच वंस अगेन।
I think we should always depend on our youth. This is the future of Pakistan. This is, yeah. The future of music. Wow, excellent, excellent. I started learning tabla from my childhood. When I saw my grandfather was playing tabla in a room, then I went there. और मैं तब था कोई दो साल का, तो मैंने उनको देखा तो मैं किचन में गया, वहाँ से कप बॉक्स पड़े होते ना जैसे, मैंने वो उठाए दो और उनके सामने जाके बैठ गया और ऐसे से करने लग गया। तो ये प्रेडिक्शन थी मेरे दादा अबू की कि ये तबला प्ले करेगा। माय फादर यूज्ड टू प्ले तबला ढोलक विद मैडम नूरजहां उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब एंड अदर मेडिसन साहब। यस एंड आई डोंट टेल टू एनीवन बिकॉज वो रिश्ता बहुत बड़ा, वो आई एम द नेफ्यू ऑफ उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी खान साहब, तो वो नाम बहुत बड़ा है इसलिए बताता नहीं मैं किसी को, क्योंकि वो तो बहुत ही महान है, उनका स्टूडेंट भी हूँ उनका शक है। थैंक यू सो मच।
Excellent. पहले तो मैं आज मिलवाऊंगी, मेरी कॉलीग है, मुझसे बहुत जूनियर है, मेरे ख्याल से शुरू शुरू के इन्होंने प्लेस एक प्ले भी मेरे साथ किया था। हमारी फील्ड में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत अपना नाम बनाते हैं, हमें उनसे प्यार भी हो जाता है, बट बीइंग एन एक्टर माई सेल्फ बहुत कम लोग होते हैं जिनकी हम इज्जत करते हैं, और मैं इन खातून की बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी आँखों के सामने बहुत दिल लगा के ना ही सिर्फ अपना काम किया, ना इंस्टाग्राम की हेल्प ली, ना कुछ किया, चुप करके अपना काम करती गई और वहाँ तक पहुँच गई कि इन्हें तमगा इम्तियाज भी मिला। जी हाँ, आप सबकी भरपूर तालियों में महबूश हूँ। Amazing being here. आप तो विरसा की वैसे भी आप तो you're part of a family. अब तो I am a part of Virsa family literally. और ये मेरा तीसरा session है और मैं आपको ये लिटरली आई दुनिया में मैं किसी भी चीज़ कहीं भी हूँ, मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ नहीं तो मुझे कहीं नहीं होना चाहिए था इस वक्त इस लम्हे में। आई एम लिविंग इन अ ड्रीम राइट नाउ, जिस तरह ये प्ले कर रहे हैं म्यूज़िक एंड द रीज़न द फैक्ट कि मेरे बराबर में पाकिस्तान के सबसे बड़े लेजेंड तशरीफ़ फरमा हैं और मैं आई वुड गिव अप एनी थिंग एंड एवरी थिंग जस्ट टू बी हियर राइट नाउ एंड द म्यूज़िक दैट आई एम लिसनिंग टू इट्स अमेजिंग। आप लोग हमारा फ़ख्र हो एंड अगर वेस्ट में टू चेलोज़ हैं तो हमारे पास लियो ब्रदर्स हैं, हमारे पास वकास हैं, हमारे पास दिस अमेजिंग तबला प्लेयर, आप जितना ज़बरदस्त बेस गिटार बजा रहे हैं, दिस इज़ अमेजिंग। एंड बाय द वे, सबसे पहले मुझे इनके बारे में आपने ही बताया था, इंट्रोड्यूस कराया था, एंड हिम बींग अ ह्यूज अ बिग द ग्रेटेस्ट लेजेंड राइट नाउ, इन्होंने मुझसे कहा कि मैं इन दोनों को, मैं चाहता हूँ दुनिया इनको सुने, मैं चाहता हूँ कि मैं इनको जितना प्रमोट कर सकता हूँ या उनको मौका दे सकता हूँ कि आगे बढ़ें, बिकॉज ही कैन सी द पोटेंशियल एंड कमिंग फ्रॉम हिम आई नो व्हाट ही फेल्ट, और मुझे अब आज पूरी तरह से अंदाज़ा हो रहा है कि इन्होंने वाकई आप इस काबिल हैं। पिछले वर्षा में हमने परफॉर्म किया था तू मेरा दिल तू मेरी जान, और उसका म्यूज़िक भी इन्होंने दिया, बहुत ब्यूटिफुल अमेजिंग। एक और चीज़ मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि हमें नहीं पता चलता हम मेहनत कर रहे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, हम हमारा द फेस दैट वी शो इज़ नॉट द वन विच वी फीलिंग। विरसा 12 साल से ऊपर हो चुके हैं माशाल्लाह, एंड दिस गाय सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मियां यूसुफ सलाउद्दीन, इन्होंने सिंगल हैंडेडली जिस तरह आर्ट को हमारे कल्चर को प्रमोट किया है, वी नीड मोर पीपल लाइक हिम हु आर पैशनेट हु आर डेडिकेटेड। अभी जिस तरह मैं देख रही थी शाम से लगे हुए थे just so that they can bring something entertaining to us, to me, to all of us sitting here. Is cheez ke liye bahut mehnat lagti hai, bahut passion chahiye, and I'm glad that people like you are here who are my mentor. Hum sab ke aap mentor hain, you are our asset. Thank you for, balki main kahungi ki inke liye sirf taaliyan nahi, ek standing ovation honi chahiye for the way he has been promoting and contributing for our arts and culture. Thank you for your efforts, thank you for being you. थैंक यू जी। राहत, आप कौन सी डिग्री ऑक्सफोर्ड से लेके आए हैं भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से, और बाबा की जो महवेश ने जो तारीफ़ की है वो बिल्कुल सही है, आज भी वो इतने तकलीफ में थे और मैं भी रास्ते में आ रहा था, फैसलाबाद से आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार मेरी तबीयत जो है वो तुमसे ज़्यादा ख़राब है और मैं ये कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं पहुँच सकते? मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हैं,
आना तो था ही मैंने, बट थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब हो रही थी. जैसे कि अभी इन्होंने कहा और जिस तरह आपके दिल में ये बात है कि ये बच्चे हैं और आप इनको जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं, राहत आपको भी ना अल्लाह मियाँ बहुत सारी चीज़ों के अलावा ना इन चीज़ों की वजह से भी बहुत आपको. वाकई में इतना बड़ा दिल होना और इस तरह आप जिस तरह उनकी तारीफ़ कर रहे थे, मैं वहाँ से आपको नोट कर रही थी, जिस तरह आप उनके साथ आंखों में आपकी बल्कि हल्की सी नमी भी थी कि देखो ये मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ माशाल्लाह देयर सो गुड. ये मैं ये कहूँगा कि मैंने इतना सुरीला वाकई नोट वाइज जो एक हमारा एक लैंग्वेज होती है ना हमारी आपस की, कि बिल्कुल पॉइंट जो एक सेंटर पॉइंट होता है सुर का, इतना सुर में वायलिन मैंने मतलब नहीं सुना. आवाज की कमी नहीं महसूस जितना सुरीला वायलिन जो शाहरुख दे रहा है और दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जितना शाहरुख प्ले करता है सुर में वायलिन मैंने आज तक बहुत कम लोग देखे हैं दुनिया में. यू आर द बेस्ट. वाओ, कमिंग फ्रॉम राहत, इट्स अ डिग्री. और विकास आप भी, मारवन आप भी, आसिफ आप भी, हारून तो अच्छा इनको अगर कोई पहचान सकता है तो मैं पहचान वो देखो आसिफ. नहीं अब तो मैंने भी पहचान लिया एक घंटे में तो, मुझे वो तो इस तरह से है कि उसने वायलिन पकड़ी है और उसने वो पकड़ा. मुझे शक्लों में फर्क भी पता चला. अच्छा लग गया. हाँ लग गया. उनकी आंखें थोड़ी सी चीनी टाइप हैं, उसकी जरा बड़ी है. सिंपल. अब क्या सुना रहे हैं हमें, अब आप ही चूज करें. मेरे पास जो लिखा हुआ है सुनेंगे और वकास से. जी वकास, आप क्या सुना रहे हैं? आज जाने की जिद ना करो. वाह 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 वाह, सितार पे Thank you.
जैसे अभी राहत कह रहे थे ना कि इन जैसा सुरीला वायलिन कोई नहीं बजा सकता, मैं भी थोड़ी सी बात ये कह दूं कि 10-12 साल से ये प्रोग्राम भी कर रही हूँ, बहुत से लोगों को सुना भी है, बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस को भी सुना है, लेकिन जो महफिल आज आप लोगों ने लगा दी है ना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट. मुझे नहीं पता था कि इंस्ट्रूमेंट्स का इतना मज़ा भी आ सकता है कि आपको आवाज़ की कमी ना महसूस हो, बोल की कमी ना महसूस हो. अमेजिंग, माशाल्लाह. और वर्ड्स नहीं, अब सुनाते जाओ. अच्छा जी, नाउ लेट्स चेंज द होल. ये एक स्पेनिश एक गाना था, डेस्पासीटो, एंड उसका कवर सॉन्ग इन्होंने किया था पाकिस्तान में. एंड एक्चुअली दैट ट्रैक, you know, brought them into the iski story sunaye thodi si phir iska thoda sa bata. basically idea ye tha, cover song tha, so hum logon ne kaha ise differently kis tarah se kiya ja sakta hai. so hum logon ne use world city mein shoot kiya. so wo ek click kiya ki ek western theme, ek like कल्चरल, हम लोगों ने उसे स्टाइल में उसे शूट किया. सो वो लोगों को अपील किया और लोग रिलेट कर सके उससे. लाइक अब जो कोई वेस्ट में बैठा था, जो पाकिस्तानी या लाहौरी था, सो वो रिलेट कर सकता था उन गलियों में और उन गलियों को, उस इन्वायरमेंट को. सो इस चीज़ लाइक ये चीज़ ज़्यादा क्लिक हुई और वो काफ़ी वायरल हुआ. चलें, अभी भी आप वॉल सिटी में बैठे, अभी भी वॉल सिटी में, और ये अच्छी बात है, हम भी रिलेट करें. बिल्कुल. अच्छा, मुझे बताओ कहाँ कहाँ अभी तक परफॉर्म किया है, कौन कौन सी ऐसे वेन्यूज़ हैं जहाँ पे बहुत मज़ा आया हो, या क्या ड्रीम है किस वेन्यू पे परफॉर्म करना है? बिकॉज मुझे तो बड़े बड़े अरेनाज में और
थिएटर्स में आप लोग नजर आ रहे हैं, स्टेडियम्स में इंशाल्लाह वेरी सून। खान साहब के साथ ऑलरेडी परफॉर्म किया है और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। और रॉयल एल्बर्ट हॉल, ये वन ऑफ द लाइक मोस्ट, ये तो खान साहब ही पूरी करा देंगे, खान साहब के साथ ही करेंगे। एंड बहुत ही प्रेस्टीजियस वेन्यू है ये भी। सो इसमें परफॉर्म लाइक सोलो कॉन्सर्ट परफॉर्म करने का लाइक एक ड्रीम है कि इंस्ट्रूमेंटल कॉन्सर्ट हो जो लाइक फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ और हम लोग उसमें फ्यूजन करें, और जिस तरह अभी सितार और वायलिन का फ्यूजन हो रहा है और तबले के साथ, सो इट्स डिफरेंट साउंड। सो ये एक डिफरेंट इंटरनेशनल ऑडियंस को लाइक हम ये अपना स्टाइल सुना सकें। रिसेंटली आपने लंदन में भी खान साहब के साथ बिल्कुल बिल्कुल परफॉर्म किया था। कहाँ परफॉर्म किया था? वो शायद बकिंगम पैलेस में परफॉर्म कर चुके हैं और आई थिंक बकिंगम पैलेस कर लिया है और अभी भी ख्वाहिशात हैं, मतलब ओके। इस तरह के और भी काफी लाइक वेन्यूज है जिसमें खान साहब के साथ हम परफॉर्म करेंगे। सलमान भाई यहां पर बैठे हैं, ऑफ कोर्स सलमान इज हियर एंड आई थिंक ही, सलमान की इतनी मेहनत है खान साहब के साथ, या एंड ही हैज डन वंडर्स। और एक इतना प्रोफेशनल एक टीम उन्होंने प्रोवाइड की है राहत अली खान साहब, which I think is very commendable। और ये ख़ास तौर पर ये जो राहत जी को जो ये जो डॉक्टरेट की डिग्री है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दी है, ये दुनिया में 8 लोगों को मिली है। तो हाँ जी, अब बताइए अब क्या आप? मैं तेनू समझावा की Thank you.
मुश्किल था खान साहब की चीज़ उनके सामने परफॉर्म करना, लेकिन हमने कोशिश की है. थैंक यू सो मच खान साहब, थैंक यू सो मच. अब क्या मूड है? कोको करीना का है कि अभी भी नहीं? चले आप के इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो हो ही जाए. Wonderful performer. भी सारे गुण हैं माशाल्लाह. Lot of young singers जो अभी मोनिका बैठी हैं, she's a very promising singer. फिर आर्या है, then of course this young lady here. So खेड़ियां दे नाल is our second last track. बिल्कुल. और उसके बाद हम end करेंगे एक classical एक चीज के साथ. शुरू भी classical से किया, end भी classical से.
سے پہلے کہ ہم پروگرام کا اختتام کریں میں اور یوسف آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ یہ جو ہمارا فیوچر ہے میوزک کا انہیں ہم بہت بڑی بڑی جگہوں پہ دیکھیں انٹرنیشنلی فیمس دیکھیں اور یقیناً دیکھیں گے بھی ہمیں اجازت دے بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ